दोबारा से दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईक्यू का 7 5G स्मार्टफोन। जी हां, जिसके अभी आप ऑफिशियल वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सो आज की ये वीडियो में हम करेंगे इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना अगर आप वीडियो पर नए हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना विद बेल आइकन, ताकि कभी भी हमारे चैनल पर कोई भी गिव अवे, अनबॉक्सिंग, रिव्यू या कंपेरिजन से रिलेटेड वीडियो लेके आए तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज की वीडियो बहुत ही ब्रांड न्यू और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल और बहुत ही एक्सलेंट होने वाली है। तो बिना देरी करे हुए आज की वीडियो हम करेंगे शुरू, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक शेयर और हर जगह शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो ये आईक्यू 7 का ब्रांड न्यू बॉक्स, जो कि पीछे ही आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैं फिलहाल फटाफट से इसके सील को ब्रेक कर देता हूँ विदाउट कैन के। तो इसके सील के ऊपर बहुत ही आसानी से सील ब्रेक हो चुकी है। यहाँ सामने आपको 7 बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ मिल जाता है। राइट साइड में सेम आपको पीछे ही आपको फ़ोन के हाईलाइट वगैरह, जैसे कि मैं कलर की बात करूँ मेड इन इंडिया या जो वेरियंट है उसकी बात करूँ, कल वीडियो में आगे वो मैं बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में। तो फिलहाल ऊपर और नीचे आपको दोनों तरफ सील मिल जाती है आईक्यू की, इन दोनों को सील को भी कर लेंगे ब्रेक। तो फोन को अनबॉक्स करते ही फटाफट से काफ़ी स्टाइलिश अनबॉक्सिंग हो रही है। इससे आपको मिलता है आपको सिम इजेक्टर टूल, उसके साथ आपको सिंपली कुछ पेपर वगैरह मिलने वाले हैं। नीचे आपको फैन रखा हुआ है स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग से कलर में होने वाला है, रैप में लिपटा हुआ। फिलहाल इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, रैप को हटा लेते हैं तो फ़ोन फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। फिलहाल फ़ोन को करते हैं बूट और रखते हैं साइड में। नीचे आपको बात करते हैं फ़ोन की प्रोटेक्शन मिलता है केस कवर, केस जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लगने वाला है, सॉफ्ट केस होने वाला है फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए। सो इसको हम रखेंगे जल्दी से साइड में और बात करेंगे आगे इसके अडेप्टर की। तो अडेप्टर इसमें मिल जाता है 66 वोट का फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज होने वाला है डेफिनेटली। और एक साथ नीचे आपको मिल जाता है टाइप ए टू टाइप सी केबल, जो कि फास्ट चार्जिंग करने में काफ़ी हद तक यूज़फुल होने वाली है। सो फोन की लुक काफ़ी अच्छी मैट ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। कैमरे का लुक है जो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोन की लुक एकदम ब्रिलियंट क्वालिटी की डेफिनेटली अच्छी लगने वाली है। बैक साइड में आपको ब्लू एंड ब्लैक दोनों कलर का टेक्सचर तो दिखाई देने वाला है। एक कलर में और आता है ये डायमंड वाइट कलर में, इसको भी आप परचेस कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल हम करेंगे इसी फ़ोन की बातें। तो कैमरे का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। बैक साइड आपको जो है अच्छी क्वालिटी की मिलने वाली है, ग्लास मेटल बॉडी मिलती है। साइड की जो बेजल की बात करूँ वो भी आपको बहुत कम मिलते हैं, आपको थिकनेस काफ़ी कम मिलती है। वेट भी आपको 210 ग्राम मिलता है, काफ़ी अच्छी बिग स्क्रीन होने के बावजूद भी। स्क्रीन का जो रेफरेंस रेस्ट है वो आगे मैं बात करूंगा, बट स्क्रीन आप डेफिनेटली इतनी स्मूथली वर्क करने वाली है, या इतनी डेफिनेटली एक अच्छी बेजल साइड में आपको बहुत कम कम बेजल्स मिलने वाले हैं पूरी स्क्रीन में ही। सो स्क्रीन की बात करूँ, फ़ोन की बात करूँ तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल रहे, बात करूँ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो इंटरटेनमेंट गेमिंग वगैरह में बात करूँ तो इतना कमाल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको डुअल चिपसेट मिल जाते हैं, जो कि मैं आगे बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बात करूँ तो इसमें आपको जब गेम खेलते हो तो उसमें आपको काफ़ी कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको स्क्रीन कितने रेजोल्यूशन में चलानी है, 720 में, 1080p में, 4K में, या गेमिंग रिस्पॉन्स जिसने हाई क्वालिटी का उसको आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो के ग्राफिक्स वगैरह भी आप काफ़ी आसानी से यहां से चेंज कर सकते हो। तो यहां पे ये एक अच्छी बात होने वाली है, कोई भी गेम में एक अलग से ऑप्शन आपको दिया गया है गेमिंग के कस्टमाइज ऑप्शंस के लिए इसमें। तो यहाँ पे डेफिनेटली यार फ़ोन की लुकिंग, या फ़ोन की और बात करूँ स्क्रीन की क्वालिटी या बैक क्वालिटी या कैमरे के जो टेक्सचर डिज़ाइन पीछे का, पीछे काफ़ी अच्छी मिलती है। 60 या 120 रेफ्रेश रेट में आप यहाँ से आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो स्क्रीन को, जो जितनी भी स्मूथ आसानी से चल सके। तो स्क्रीन तो काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छी होने वाली है डेफिनेटली ही। यहाँ पर स्क्रीन की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ अच्छा है। स्क्रीन आपको मिलती है 6.62 इंचिस की 120 रेफ्रेश रेट के साथ में, एमुलेट फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, यानी कि डिस्प्ले की क्वालिटी और इतनी कमाल और इतनी स्मूथ होने वाली है। जो कलर है वो इतने आपको रियल मिलने वाले हैं। नीचे ही आपको डुअल सिम ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप एक टाइम पर 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हो। दोनों ही आपको 5G सपोर्टेबल फ़ोन सिम आने वाली है, यानी कि एक टाइम पे। और नीचे ही आपको टाइप सी प्राइमरी माइक्रोफोन स्पीकर गिल मिल जाती है। डुअल स्पीकर स्टोरेज स्पीकर का फ़ोन में यूज़ किया गया। सामने आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, उससे भी आप काफ़ी अच्छी सेल्फी वगैरह खींच सकते हो। ऊपर आपको एंटीना बैंड के साथ में 1 सेकंड माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में आपको पावर लॉक एंड अनलॉक कीज, वॉल्यूम अप एंड डाउन के कीज, सामने आपको फिंगरप्रिंट लॉक एंड अनलॉक कीज मिल जाती है, जो कि आपको फ़ोन को काफ़ी तेज़ से वर्क कर रही है। फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत ही फास्ट और क्विकली वर्क कर रहा है, काफ़ी स्टोर वगैरह है स्क्रीन के साथ में। तो स्क्रीन और सभी चीज़ में बात करें तो बहुत ही कमाल है। अडेप्टर वगैरह 4000 mAh की बैटरी मिलती है फ़ोन में, और फ़ोन की बैटरी आप यहाँ पर देख पा रहे हो इतनी जल्दी और इतना फास्ट चार्ज कर रहा है फ़ोन की बैटरी को।
कि आपको इतनी जल्दी 64 का सबसे फास्ट चार्जिंग इसमें मिलने वाली है, और प्लस में आपको एक पावरफुल बैटरी भी मिलती है, बार पावरफुल परफॉर्मेंस एक स्नैपड्रैगन, साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 यानी कि 888 यानी कि 8088 5G प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले एंड्रॉयड 11 की पावर के साथ में मिलता है। तो यानी कि परफॉर्मेंस आपकी प्लस टू प्लस होने वाली है। तो स्क्रीन के साथ में या फ़ोन में यार आपको एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने वाला। सो स्क्रीन के बाद इसके कैमरे की बात करूँ तो कैमरा इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि OIS सोनी X60 में यूज़ किया गया है। तो कैमरे की क्वालिटी एकदम कमाल और परफॉर्मेंस वगैरह सभी इतनी कमाल होने वाली है। पिक्चर कैप्चर क्वालिटी है जो वो इतनी कमाल होने वाली है कि आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे, फिर भी आपको शायद थोड़ी लो क्वालिटी में यहाँ पे लगने वाली है, बट अगर आप पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ करते हो देखते हो तो यार इतनी कमाल की इतनी बेहतरीन क्वालिटी आने वाली है, जो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए उससे ये पिक्चर क्लिक किए गए हैं। तो इनको भी आप कमेंट करके जरूर बताना नीचे आपको क्वालिटी कैसी लगी। खैर आगे भी मैं आपको 2 मेगापिक्सल के साथ लगा हुआ उससे भी कुछ पिक्चर कैप्चर करके दिखाने वाला, तो वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैप्चर क्वालिटी कैसी लगी। तो ये है 2 मेगापिक्सल की पिक्चर की क्वालिटी कैप्चर की हुई इमेज, इनको कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको इमेज की क्वालिटी कैसी लगी। तो यहाँ पे आपको यार फ़ोन में काफ़ी अच्छी एक आईको लोगो के साथ में जो कैमरा की ब्रांडिंग को मिल जाती है, गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर मिल जाता है इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिपसेट के साथ में। तो यार गेमिंग परफॉर्मेंस सच में इतना कमाल ड्यूअल आपको चिपसेट मिलने वाला, तो इतना कमाल होने वाला है कि शायद बेहतर इस फ़ोन के अलावा आपको किसी फ़ोन में इतना स्मूथली और इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। 66 वोट का फास्ट चार्जर प्लस में 4000 mAh की बैटरी और 8600 आपको वेट भी यहाँ पे सिर्फ 210 ग्राम मिलने वाला है। तो यहीं पे बात करूँ इसमें आपको लार्जेस्ट वैक्यूम कैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जो आप लंबे टाइम तक यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह यहाँ पे आराम से खेल सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। सो गाइज आई होप वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी फ़ोन के साथ में। सो डेफिनेटली फ़ोन काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्टेस्ट इस टाइम का सबसे फास्टेस्ट फ़ोन होने वाला है, डुअल 5G सिम के साथ में। डुअल आपको यहाँ पे चिपसेट मिलता है, यानी कि हर चीज़ आपको डुअल हर चीज़ परफॉर्मेंस इतनी कमाल के मिलने वाली है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने YouTube चैनल को लेकर आता रहता हूँ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता है डेफिनेटली नई अनबॉक्सिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, गिव यू रिव्यू कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो के साथ में अपने इसी YouTube चैनल पे। तो तब तक के लिए आज की वीडियो से आपका लेता हूँ इजाज़त, नई वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।